कभी सोचा है अगर चिकन को चिकन लेग पीस खिलाया जाए तो क्या हो, और एक बाघ को आखिर टिंडर की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं ना, आपके दिमाग में यह ख्याल कभी नहीं आया होगा, लेकिन इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और टिकटॉक पर इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मुर्गे को चिकन लेग पीस दिखाता है, मुर्गा देखते ही उसे खाने लगता है। वीडियो में शख्स कहता है, मेरे हाथ में चिकन का लेग पीस है, देखिए मेरे चिकन को चिकन कैसा लगता है। जैसे ही मुर्गा उसे खाने लगा तो शख्स गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। Well, I have a piece of chicken and I'm gonna see if chicken likes chicken. Oh my, you sick cannibal! You disgust me! बता दें कि इस वीडियो को @LukeMile4 नाम के TikTok क्रिएटर ने पोस्ट किया है। इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। लोग ये सोच रहे थे कि शायद चिकन शख्स के हाथों में रखा लेग पीस देखकर डर जाएगा, लेकिन वो तो उसे ही खाने लगा। इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये तो थी चिकन की बात, लेकिन आखिर एक बाघ को टेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? आपने गाना तो सुना ही होगा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं। कुछ ऐसे ही हालत में है हमारा यह बाघ, जो एक पार्टनर को ढूंढने के चक्कर में 2000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। सोशल मीडिया पर बाघ की तस्वीर और वो कहां कहां से गुजरा इसका नक्शा वायरल हो रहा है। बता दें कि इस बाघ की जानकारी IFS परवीन कासवान ने ट्विटर पर 5 मार्च को शेयर की, जिसके बाद ये बाघ सोशल मीडिया पर छा गया। अपने ट्वीट में कासवान ने बाघ की तस्वीर के साथ एक नक्शा भी शेयर किया। ये बता रहा है कि बाघ अपने सफर के दौरान कहां कहां से गुजरा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत के इस टाइगर ने रिकॉर्ड तोड़ यात्रा की है, अब ये ज्ञान गंगा के जंगलों में है। इसने साथी की तलाश में नहरों, खेतों, जंगलों और सड़कों से होते हुए 2000 किलोमीटर का सफर किया। इस दौरान इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सफर के दौरान बाघ दिन में आराम करता और रात में साथी की खोज करता था। भूख मिटाने के लिए उसने जंगली सुअर और मवेशियों को अपना भोजन बनाया। बस फिर क्या था, लोगों ने कमेंट करके सवाल पूछा कि क्या बाघ मांगलिक है, तो किसी ने कहा कि बाघ को टिंडर की जरूरत है। बता दें कि बाघ अपने पार्टनर की तलाश में अभी भी भटक ही रहा है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।